हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफाई कैट एकेडमी। एंड आज सर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूं जो हर एक कैट एस्पिरेंट के दिमाग में होता है। व्हेन आर यू एलिजिबल टू गिव द कैट एग्जाम? ऑलराइट, सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी। आप अपनी ग्रेजुएशन के प्री फाइनल ईयर में अपना फर्स्ट कैट अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल होते हो, राइट? ऑल्दो देयर इज नो लिमिट टू कैप और कैट, देयर इज नो एज लिमिट, नो एज लिमिट आल्सो, एंड देयर इज नो कैप की 5 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन जो पहला अटेम्प्ट आप दे सकते हो प्री फाइनल ईयर में, अगर आपके 3 साल की ग्रेजुएशन है तो सेकंड में, 4 साल की है तो थर्ड में ग्रेजुएशन में आप दे सकते हो। तो हाउ मच टाइम डू यू थिंक कि कैट एस्पिरेंट को कैट के लिए फोकस करना चाहिए, लगाना चाहिए? कैट की तैयारी के लिए कितना टाइम लगेगा और कितने आवर्स रेगुलरली देने पड़ेंगे, दिस इज, अगर एवरी टाइम समवन आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई गेट 1 रुपी, आई वुड बी अ बिलियनियर बाय नाउ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, राइट? अगेन, देयर इज नो प्रॉपर टाइम फ्रेम और सेट टाइम फ्रेम कि इतना टाइम फ्रेम एक बच्चे के लिए जरूरी होता है। हम नॉर्मली कहते हैं कि 500 घंटे का एफर्ट चाहिए होता है, 500 आवर्स का एफर्ट। अब कोई उसको एक साल में लगाता है, कोई उसको 2 साल में लगाता है और समथिंग। कई बच्चे 2-2.5 महीने पढ़ के, लेट्स से दे आर नेचुरली वेरी ब्रिलियंट, 2-2.5 महीने पढ़ के कैट निकाल लेते हैं। कई लोग अनफॉर्चुनेटली 3rd-4th अटेम्प्ट पे भी जाते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल स्किल सेट एंड द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग। Sometimes, let's say someone says that मुझे जाने ही सिर्फ ABC में, मुझे कहीं नहीं जाना, तो उसको शायद 3 अटेम्प्ट लग सकते हैं। कोई कहता है कि मुझे टीयर 2 मिल जाएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जा सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी सीवीस की, इतने टाइम तक तुम्हारा इतना हो जाना होता है, इतना टाइम इस स्पेसिफिक टॉपिक को लगता है? नॉर्मली हम कैट को ना 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है एकेडमिक फेस, एक होता है स्ट्रेटेजिक फेस। अकेडमिक फीस लेता है लगभग 5-6 महीने, जहाँ पे आप अपना सिलेबस प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारे क्वांटिफायर्स का कोर्स शुरू हुआ, अब वो अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगस्त से लेके दिसंबर तक हम लोग क्या करते हैं, हर हफ्ते फुल लेंथ मॉक लेके, मंडे टू फ्राइडे बच्चों को मॉक दिया जाएगा, अटेम्प्ट करो, और सैटरडे और संडे को फैकल्टी खुद अटेम्प्ट करेगी कि हमें कैसे मॉक करना चाहिए। दैट इज अ वेरी वाइटल पार्ट, मॉक एनालिसिस, राइट? और जैसे जैसे आप कोर्स करते हो तो हम बच्चों को साथ साथ चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट हर हफ्ते देते रहते हैं, ताकि वो असेस कर सके कि हम कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ नहीं पहुंचे, राइट? फॉर एग्जाम्पल DINR के अकेले के आपको 75 सेक्शनल्स मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस ऑन कैट पैटर्न, राइट? तो आप 300 सेट तो उनके थ्रू ही कर रहे हो। उसके अलावा देयर विल बी 30 फुल लेंथ मॉक्स, उसके अलावा देयर विल बी अराउंड 300 मोर सेट्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, सो ओवरऑल वी विल बी कवरिंग अराउंड 1000 सेट्स इन द कोर्स इटसेल्फ। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस, इट्स ऑल ऑफ दैट कि इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब यहाँ पे भी रिसोर्स है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो देयर इज लाइक 2000 क्वेश्चंस अवेलेबल, तो वो कैसे करे नेविगेट? दैट इज वेयर द नीड ऑफ मेंटर कम्स इन। अ लॉट ऑफ किड्स डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट कंटेंट तो इतना अबंडेंट अवेलेबल है कि क्या क्लटर कंटेंट है, क्या अच्छा कंटेंट है, आपको नहीं पता लगता। एवरी वेबसाइट नाउडेज आर प्रोवाइडिंग एवरी देयर कंटेंट, देयर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट, एंड एज अ स्टूडेंट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वेबसाइट अच्छी है, बुरी है। कई वेबसाइट्स हैं जहां पे सिर्फ क्लटर कंटेंट से SEO रैंकिंग ऊपर आई हुई है, एंड द स्टूडेंट्स आर स्टिकिंग टू दैट, व्हिच इज रॉन्ग, राइट? दे डोंट नो व्हाट द राइट रिसोर्सेज आर। विराट कोहली के पास भी कोच है, सचिन तेंदुलकर के पास भी कोच है। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर इज, जो आपको बताया कि आप कहां सही हो, कहां गलत हो। Students realize this after they have wasted an attempt. But if you are someone, even after you have, let's say, taken a coaching first year, and now in the second year you are confused कि मैं खुद से self prep करूं क्योंकि मैंने coaching ली। Many students they prefer कि हम self study कर लेते instead of opting for next year. अब इसके लिए right approach क्या होनी चाहिए कि आपके first attempt की तैयारी कैसी थी? अगर आपको लगता है कि आपके 95-96% है लागे, but you want more, आपकी conceptual clarity पूरी है, then you don't need a coaching, right? But if you feel कि मेरे concepts clear नहीं थे, एंड आप सिर्फ इसी गिल्ट में हो क्योंकि मैंने पैसे खर्च दिए, अब तो मैं सेल्फ प्रेप करूंगा, बिकॉज ऑन यूट्यूब देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने शायद खुद MBA भी नहीं करी है और खुद ने कभी पढ़ाया भी नहीं है। अगर MBA करी है तो कभी पढ़ाया नहीं है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट गोज इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु इज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। जस्ट बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर, जस्ट बिकॉज यू आर, लेट्स से, टॉपर, डजंट मेक यू अ गुड टीचर। ऑल द बेस्ट बैट्समैन आर नॉट गुड कोचेस, ऑल द गुड कोचेस वर नेवर ब्रिलियंट बैट्समैन। सचिन The God of Cricket, उनके जो कोच थे शायद किसी को नाम भी नहीं पता होगा। तो सिमिलरली देर आर पीपल हु विल ल्यूर यू फॉर दीज थिंग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बट यू नीड टू फाइंड योर बैलेंस समवेयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड इफ इट डिड जस्ट लाइक कर दो, थैंक यू सो मच।